हेलो डियर, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू एग्री ज्ञान द अनटोल्ड। आज हम पढ़ेंगे डिफरेंट नेम क्या होते हैं इन्फ्लोरेंस। इन्फ्लोरेंस क्या होता है, आपके पुष्प क्रम को कहा जाता है। ठीक है, जो पौधे होते हैं, क्रॉप्स होते हैं, उनमें फ्लावरिंग को क्या कहते हैं, क्या अलग अलग डिफरेंट क्रॉप्स में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, उसे हम इन्फ्लोरेंस कहते हैं। अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर को इन्फ्लोरेंस कहते हैं। अगर आप एक वर्ड में याद रखना चाहें तो जो फूलों की अरेंजमेंट होती है उसे हम इन्फ्लोरेंस कहते हैं। ठीक है, इसे लिख सकते हैं, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड इन्फ्लोरेंस। हिंदी वाले, इंग्लिश वाले दोनों लिख लीजिए। इसके बाद ये देखेंगे हम कि अलग अलग क्रॉप है उसमें इनका अलग अलग नाम होता है। इन्फ्लोरेंस तो होता है, सब में फ्लावरिंग होती है, बट उसका नाम क्या होता है, हर एक प्लांट में, डिफरेंट प्लांट में डिफरेंट नेम से कहा जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, हम देख लेते हैं कौन से पौधे में या फिर कौन से फसल में क्या नाम से जाना जाता है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट तो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर बार पूछा गया। ठीक है, शुगर केन के इन्फ्लोरेंस को क्या कहा जाता है, तो एरो। एरो ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, BHUICR PAT हमेशा एरो कहा जाता है आपके शुगर केन के इन्फ्लोरेंस को। एक साइड देखिए, यहाँ पे मैंने पहले इन्फ्लोरेंस लिखा है, फिर उससे रिलेटेड जो क्रॉप है उसका नाम लिखा है, तो आप लिखते चलेंगे अपनी कॉपी में। तो शुगर केन के इन्फ्लोरेंस को या फिर पुष्प क्रम को क्या कहा जाता है, एरो। उसके आगे चलिए कॉटन में देखते हैं, तो कॉटन में कहते हैं हम एक्जिलरी। कॉटन में क्या कहते हैं हम, एक्जिलरी। कुछ क्रॉप्स होंगे तो उसमें अलग से नाम भी बोला जाता है, डबल नाम होते हैं, तो आप उसे ध्यान रखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए एक्जिलरी रेसिम। रेसिम किसे, एक्जिलरी रेसिम और रेसिम दोनों अलग चीज़ें हैं। ठीक है ना, तो एक्जिलरी रेसिम किसी में कहा जाता है, ब्लैक ग्राम यानी कि चना। ब्लैक ग्राम यानी कि आपका उड़द, चिकपी यानी कि चना। ठीक है ना, ग्रीन ग्राम यानी कि आपका क्या होगा, मूंग। पीम यानी कि मटर, पाइसम सटाइवन। पिजन पी क्या है आपका, अरहर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अरहर को हमेशा दो तीन अलग अलग नाम से दे देता है। अरहर का साइंटिफिक नेम क्या है आपका, कैजेनस कैजान। उसको ही क्या बोल देगा आपका, रेड ग्राम या फिर पिजन पी। तो इसे आप याद रखेंगे। ये क्वेश्चन MPPAT में इस तरह किससे पूछा था कि जो आपका रेड ग्राम है उसे और किस नाम से जाना जाता है, तो जाना जाता है उसे पिजन पी के नाम से। ठीक है, उसके बाद आइए लेंटिल और सोयाबीन। उसमें क्या कहा जाता है इन्फ्लोरेंस को, एक्जिलरी रेसिम। जनरली आपने यहाँ पे क्या देखा, दाल वाले जो होते हैं, जो दाल होती हैं, लेग्यूमिनेसी क्रॉप्स होती हैं, उनके इन्फ्लोरेंस को क्या कहते हैं हम, एक्जिलरी रेसिम। पहला था हमारा उड़द जिसको हम ब्लैक ग्राम कहते हैं, चिकपी यानी कि हमारा चना, ग्रीन ग्राम यानी मूंग, पी यानी कि हमारा मटर, पिजन पी यानी कि अरहर। ठीक है, उसी तरह लेंटिल और सोयाबीन। आगे बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। देखिए रेसिम, पहला था हमारा एक्जिलरी रेसिम, अब क्या है हमारा, रेसिम, सिर्फ और सिर्फ रेसिम। तो रेसिम किस में कहते हैं हम, ग्राउंडनट, मस्टर्ड, कैस्टर, सन हैम्प और टोबैको। जनरली यहाँ पे देखिए क्या है हमारा, ग्राउंडनट, मस्टर्ड और कैस्टर, ये कैसे हो गए हमारी, ऑयल सीड क्रॉप्स हो गई। ठीक है, तिलहनी फसल हो गई। सन हैम्प हमारी क्या हो गई, चारे वाली फसल हो गई। सन हैम्प हमारी क्या हो गई, चारे वाली फसल हो गई। आपको ये चीज़ भी बहुत अच्छे से याद रखना है कि आपका जो चारा होता है, बेस्ट फॉडर क्रॉप किसे माना गया है। ठीक है ना, सॉरी, बेस्ट फॉडर क्रॉप किसे माना गया है, आपको ये याद रखना है। फॉडर में आपका बरसीम आएगा, ठीक है, उसको आप याद रखेंगे। उसके बाद आती है आपका रिजका। ठीक है, सन हैम्प भी, ये सब भी आपका फॉडर के लिए यूज़ किया जाता है। मैन्योर के लिए, जो ग्रीन मैन्योर होता है, उसके लिए बेस्ट माना गया है आपके सन हैम्प को। आप इसे याद रखेंगे, इसका साइंटिफिक नेम भी आपको याद रखना है। ये आपका होमवर्क है कि आप अपने साइंटिफिक नेम, जितने भी यहाँ क्रॉप दिए गए हैं उनके साइंटिफिक नेम लिखेंगे, जिसके आपको नहीं पता है। ठीक है ना, सन हैम्प का तो लिखिएगा। टोबैको, ठीक है, टोबैको यानी कि तंबाकू जो होता है हमारा, उसके भी इन्फ्लुएंस को क्या कहते हैं हम, रेसिम। आगे चलते हैं हम, यहाँ देखिए साइमोस। साइमोस किस में कहा जाता है, तो जो सीसमे होता है उसमें, सीसम, ठीक है, लिनसिड यानी कि अलसी, जूट आप सभी जानते हैं जूट, और पोटैटो, पोटैटो यानी कि सोलेनम ट्यूबरोजम, आलू। ठीक है ना, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे, इनके इन्फ्लोरेंस यानी कि पुष्प क्रम को क्या कहते हैं, साइमोस। आगे चलते हैं कैपिटुलम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सनफ्लावर का पूछा गया है कि सनफ्लावर के इन्फ्लोरेंस को क्या कहते हैं, तो इसको आप हाईलाइट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट लिख लेंगे। सनफ्लावर के इन्फ्लोरेंस को कैपिटुलम कहते हैं।
और नाइगर के भी इन्फ्लोरेंस को क्या कहते हैं, कैपिटुलम, पर सनफ्लावर का पूछा है उसको ज़्यादा ध्यान देंगे। अब आइए हेड, हेड किस में कहते हैं, सोरघम में और सैफ फ्लावर यानी कि आपका केसर, ठीक है। उसके बाद देखिए पैनिकल, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, धान का हर बार पूछा है कि राइस के इन्फ्लोरेंस को क्या कहते हैं, तो बहुत बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं इन्फ्लोरेंस में और ग्रेन में या फिर फ्रूट में, तो याद रखेंगे जो इन्फ्लोरेंस होता है, पुष्पक्रम होता है, उसे पैनिकल कहते हैं, ठीक है ना, पैनिकल कहा जाता है। और जो उसका फ्रूट होता है या फिर ग्रेन, आपने जनरली देखा होगा कि जो फ्रूट प्लांट्स होते हैं, जो हॉर्टिकल्चरल क्रॉप होता है, उसमें जो हमारे एडिबल जो थिंग होती है वो हमारा फ्रूट होता है। तो सीरियल्स में तो वैसे उस टाइप के स्ट्रक्चर के फ्रूट होते नहीं हैं, सीरियल्स में उनके फ्रूट को हम किसे मानेंगे, उनके जो ग्रेन हैं, उनके जो दाने हैं, उन्हीं को हम क्या मान के चलेंगे, फ्रूट मानते हैं, क्योंकि हम उसी को खाते हैं, उनके ग्रेन्स को, उनके दाने को खाते हैं सीरियल्स के, है कि नहीं। खाद्यान्न वाली फसलों में, अनाजों वाली फसलों में हम किसे मानते हैं, फ्रूट, उनके दानों को यानी कि ग्रेन्स को, इसलिए फ्रूट कहा जाता है उन्हें, ठीक है ना। तो अगर फ्रूट करके भी पूछता है, फ्रूट ऑफ राइस इज नोन एज, तो कैरियोप्सिस, याद रखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फ्रूट को कहा जाता है या फिर ग्रेन को कहा जाता है कैरियोप्सिस, फ्रूट और ग्रेन में अंतर नहीं करिएगा। तो क्या कहते हैं हम राइस के फ्रूट को, कैरियोप्सिस, ठीक है ना, और इन्फ्लोरेंस को क्या कहते हैं, पैनिकल। आगे देखिए पोर्सो मिलेट, ये भी आपका पर्ल मिलेट या फिर पोर्सो मिलेट, दोनों के ही इन्फ्लोरेंस को क्या कहते हैं हम, पैनिकल। आगे चलिए यहाँ पे देखिए वीट और बार्ले में क्या कहते हैं हम, स्पाइक, वीट और बार्ले में क्या कहते हैं हम, स्पाइक कहते हैं, ठीक है। इसी तरह आगे देखिए पर्ल मिलेट में, देखिए आप पर्ल मिलेट में आपने, सॉरी वहाँ पे आपने पर्ल मिलेट मैंने बोल दिया था, पोर्सो मिलेट है वहाँ पे, ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ पर्ल मिलेट में देखिए आप, यहाँ पे आपका क्या आता है, ईयर। कभी कभी गेहूं जो होता है उसमें ईयर, स्पाइक, हेड तीनों ही दे देता है, तो आप इसमें ज़्यादा अंतर नहीं होता, पर यहाँ पे डिफ्रेंशिएट किया है आपके हायर स्टडीज के लिए, तो आप उसको याद रखेंगे, पर्ल मिलेट में क्या होता है, ईयर, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और आप लोग एक चैलेंज को समझ ही नहीं पा रहे, आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन छोड़ना है, जो भी इस आपने ये जो पूरा पढ़ा इससे रिलेटेड या फिर बाहर से कोई भी आपके मन में क्वेश्चन आया हो सडन, उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, ठीक है ना। और सबको करना है, अगर आप 30 लोग देख रहे हैं तो 30 क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में होना चाहिए, तो उस चैलेंज को आप समझेंगे, कोई भी क्वेश्चन देंगे और बाकी लोगों को उस क्वेश्चन का आंसर देना होगा, ठीक है ना, उस कमेंट के अंदर। तो इतना याद रखेंगे, तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। थैंक यू।